दिनों से 41 जिंदगियां इस सिल्क्यारा टनल के अंदर फंसी हुई हैं। केंद्रीय एजेंसीज, फॉरेन एक्सपर्ट्स और हेवी मशीनरीज के कंबाइंड मिशन के बावजूद मिशन जिंदगी अभी तक सफल नहीं हो पाई है, और यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी क्यों हो रही है। और ये सवाल उन 11 मजदूर के परिजन, परिवार वाले उठा रहे हैं, चाहे वो गबर सिंह नेगी का परिवार हो या फिर लखीमपुर खीरी के मंजीत का परिवार हो। सबके जहन में अब चिंता है कि आखिरकार उनके घर के लड़के, जो 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, वो किस हालात में हैं। हालांकि जो इंडोस्कोपी कैमरा की फुटेज आई है, जिस तरह से एजेंसीज ने काम किया है, खाना पहुंचाया जा रहा है, दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं, एक बात तो स्पष्ट जरूर हुई है कि ये तमाम मजदूर, 41 के 41 मजदूर स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन जो देरी लगातार जिन अड़चनों की वजह से आ रही है, उसकी वजह से इन 41 मजदूरों की उम्मीद और तपस्या बढ़ती जा रही है, और जो परिवार हैं, 41 परिवार हैं, उनकी उम्मीद हर सुबह बनती है और सूरज के ढलते ही वो उम्मीद टूट जाती है। ऐसे में अब आज की तारीख में 13वें दिन ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जब ड्रिलिंग मशीन का प्लेटफॉर्म ठीक कर लिया गया है, जो अड़चने रास्ते में बनी हुई थी उसको हटा लिया गया है, तो आज दिन के अंत तक रेस्क्यू टनल का काम पूरा हो जाएगा और उन मजदूरों को बाहर निकालने में सफलता मिल जाएगी। वीडियो सहयोगी दीपक बिष्ट के साथ मैं अमित भारद्वाज, उत्तरकाशी।